हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं इंडिया ईयरबुक का चैप्टर 4 कवर करूंगा। ये है कृषि से रिलेटेड, यानी एग्रीकल्चर। भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार सेक्टर देता है वो है कृषि, दूसरे नंबर पे है टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये वाला पूरा एग्रीकल्चर के बारे में था, और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर का जो पार्ट है वो भी ऐड कर दिया है, यानी पिछले 6-7 महीने के जो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर थे वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो जाए। और सारे MCQ कवर किए गए हैं चैप्टर 4 से। तो ये वीडियो हिंदी में मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव। StudyIQ के पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं UPSC, SSC, बैंक PO, डिफेंस एग्जाम्स इत्यादि के लिए। अब हम बहुत जल्दी गेट के बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, गेट IES एग्जामिनेशन वगैरह के। हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप कोई भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी ID है tirelesssoul, या ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी ID है gaurav.gar888। शुरू करते हैं। जो 2011 की जनगणना थी, सेंसस ऑफ 2011, उसके हिसाब से भारत की कितनी आबादी है जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में एंगेज है। एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरी एक्टिविटी होती हैं, जैसे मधुमक्खी पालन होता है जिसे कहते हैं एपीकल्चर, या जो मछली फिशरीज़ वगैरह है, ये सब एलाइड एक्टिविटीज़ में आते हैं, पशुधन वगैरह। तो टोटल भारत की 54.6% ऑफ द पॉपुलेशन भारत की है जो कृषि और उससे संबंधी जो सेक्टर है उनमें उनको रोजगार मिलता है, 54.6%। एग्रीकल्चर जो है भारत का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है 17% टू द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये इन्होंने करंट प्राइस के ऊपर लगाया है इस ईयरबुक में, यानी 2015-16, और जो सीरीज है वो है 2011-12। 17% कंट्रीब्यूट करता है भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड को। फोर्थ एडवांस एस्टिमेट फॉर 2015-16 के हिसाब से भारत में जो टोटल चावल का उत्पादन है वो उससे पिछले साल से कितना मिलियन टन कम हुआ, ये पिछले साल से 1.17 मिलियन टन हुआ। ये बात हो रही है फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से। और जो अगर मैं गेहूं की बात करूं, वीट, तो उसका उससे पिछले साल से 6.97 मिलियन टन जो था वो ज़्यादा था, याद रखिए। तो वीट का 6.97 मिलियन ज़्यादा था और चावल का 1.17 मिलियन कम था। और अगर मैं तो वीट और राइस के हैं, बाकी आने वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये कौन सा मंत्रालय भारत का चलाता है, इस योजना को भारत का कौन सा मंत्रालय कैरी आउट करता है, ये करता है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, यानी जल संसाधन, गंगा की सफाई और जो रिवर डेवलपमेंट है, नदियों का विकास, वो वाला मंत्रालय। अभी इसको हेड कर रहे हैं नितिन गडकरी, ये चलाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस स्कीम में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 50,000 करोड़ का, और ये 5 साल तक के लिए चलाई जा रही है, 2015-16 से लेके 2019-20 तक। तो इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कुछ और मैं आपको करंट चीज़ें बताता हूं जो आपको याद रखनी है। भारत को वर्ल्ड बैंक से मिला है $318 मिलियन का लोन, ये आप इसको कह सकते हैं ये होता है लगभग 2,000 करोड़। ये तमिलनाडु में जो सिंचाई की स्कीम चल रही है, सिंचाई के कार्य, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है $318 मिलियन। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने असम में कृषि के विकास के लिए दिया है $200 मिलियन का लोन, $200 मिलियन, आप इसको 1,300 करोड़ रुपए बोल सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने ही एक लोन और इम्पोर्टेंट दिया है भारत को, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इनफैक्ट ये फरवरी में आया है न्यूज़ में, महाराष्ट्र में क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के लिए। क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर क्या होता है, एक ऐसी कृषि का पद्धति जिसमें जो मॉनसून वगैरह है उस पर हमारी कृषि डिपेंड ना करे, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बोलते हैं। महाराष्ट्र में जैसे विदर्भा एरिया है या मराठवाड़ा एरिया है, जहाँ पे जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है, जहाँ पे किसानों के सुसाइड वगैरह बहुत होते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसी कृषि की ज़रूरत है जो मौसम पर निर्भर ना करे, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है $420 मिलियन, $420 मिलियन महाराष्ट्र में। और एक लोन और याद रखना है आपको, भारत में जो हमारी जिन्हें बोलते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कृषि की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय हैं, उनमें एग्रीकल्चर एजुकेशन का स्तर बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $82.5 मिलियन का लोन दिया है, $82.5 मिलियन का लोन भारत को दिया है। तो चार मुख्य लोन है जो पिछले 8 से 9 महीने में वर्ल्ड बैंक ने भारत को दिए हैं। एक और याद रखना चाहें तो रख सकते हैं,
ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन पूरे हमारे जो ग्रामीण विकास के लिए है झारखंड में, इस प्रोजेक्ट का नाम है जोहर, यानी कि झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ये इसकी फुल फॉर्म है जोहर की। इसके लिए विश्व बैंक ने 100 मिलियन डॉलर का लोन दिया है, यानी 650 करोड़ रुपए का लोन दिया है झारखंड राज्य को। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चंस पर, लौटते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उसे कौन से भारत के बैंक हैं जो लागू करते हैं यानी इम्प्लीमेंट करते हैं? ये करते हैं कमर्शियल बैंक भी, जो व्यावसायिक बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक, सारे मिलके करते हैं, यानी आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सी एक ऐसी क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा योजना नहीं है जो केंद्र सरकार ने लॉन्च करी है? तो आपको यह बताना है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहला है कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम या कैश क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ऊपर वाली जो तीन है ये सरकार ने लॉन्च की हुई है, जो डी है ये ऐसी कोई स्कीम नहीं है, कैश क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नाम की कोई स्कीम नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में एक दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इकोनॉमिक सर्वे जो आया था आर्थिक सर्वेक्षण, उसने ये कहा है कि भारत में जो देखिए भारत में जितने भी लोग काम करते हैं इसको बोलते हैं टोटल वर्कफोर्स, इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, यानी मैन और वुमेन दोनों हैं। इसमें अगर हम देखें कृषि में 2001 साल में कितने लोग थे, यानी भारत की जो पूरी वर्कफोर्स है, जितने भी लोग भारत में काम करते हैं, उसके 58.2% लोग कृषि में काम करते थे 2001 में। और इकोनॉमिक सर्वे ने यह कहा है ये घटके 2050 तक, यानी 50 सालों में ये जो लोग हैं घटके रह जाएंगे 25.7%, यानी आप देख सकते हैं 58% से घटके हमें एक चौथाई रह जाएगी हमारी जो वर्कफोर्स है कृषि के अंदर 2050 तक, ये कहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने। एक ऐप लॉन्च हुई है जिसका नाम है सॉइल हेल्थ ऐप, इसको लॉन्च करा है हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस होता है जिसे वर्ल्ड सॉइल डे बोलते हैं, 5 दिसंबर को होता है ये, तो 5 दिसंबर 2017 को ये लॉन्च की गई थी। ये इन्होंने झज्जर कृषि विज्ञान केंद्र, झज्जर एक शहर है हरियाणा में, गुड़गांव से लगभग आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो झज्जर कृषि विज्ञान केंद्र हरियाणा में, वहाँ पे ये लॉन्च की गई ये ऐप, इसका नाम है सॉइल हेल्थ ऐप। तो ये बेसिकली क्या करेगी, इसमें GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो फिट है, और ये किसानों को उनकी जो सॉइल हेल्थ है उसके बारे में सारी जानकारी देगी। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है, और राधा मोहन सिंह ने यह भी कहा कि दिसंबर 2017 तक 10 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बांटे जा चुके हैं, टारगेट था 12 करोड़ का, तो 10 करोड़ ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं पूरे भारत में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रकम, ई रकम नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है हमारी सरकार द्वारा। इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो किसान है उन्हें जो मंडियां हैं जो उन्हें उनसे जोड़ा जाएगा, यानी कि एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा जहां पे वो खरीद और बेच सकते हैं अपनी फसलों को, और इसको डेवलप करा है MSTC लिमिटेड ने, और इसको सपोर्ट किया है CRWC जिसे बोलते हैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो इन दोनों ने मिलके ये दोनों मिलके इसे चला रहे हैं, MSTC ने डेवलप करा है और इसे सपोर्ट कर रहा है, यानी इसका मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स पार्टनर है CRWC सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन। इसको लॉन्च किसने करा अगर पूछ लें, कई बार तथ्यात्मक सवाल भी जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें आ सकते हैं, जो ICR वगैरह के एग्जाम है उनमें अक्सर इस तरह के सवाल देखे जाते हैं। तो इसको लॉन्च करा है हमारे स्टील मंत्री बीरेंद्र सिंह ने, और हमारे कंज्यूमर अफेयर और PDS मंत्री रामविलास पासवान ने। अब आप ये पूछेंगे स्टील मंत्री का क्या काम है, यहाँ पे कृषि की बात हो रही है, काम ये है कि जो ये MSTC कंपनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत काम करती है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है LDF, इसकी फुल फॉर्म है लाइव स्टॉक डिजीज फॉर वार्निंग, यानी आपके जो पशु हैं अगर उन्हें कोई भी बीमारी है तो ये पहले ही बता सकता है, और इसको डेवलप करा है ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज इन्फॉर्मेशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं ICAR निवेडी। तो ICAR बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और निवेडी इन्होंने मिलकर लॉन्च करा है इसे, और वेटरनरी बोलते हैं पशुओं का जो रोग होता है, पशु का जो विज्ञान है उसे वेटरनरी वर्ड यूज करते हैं, तो ये पशुओं के जो रोग हैं उनके बारे में सारी जानकारी देगी। इसमें 13 ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज हैं पशुओं के जिनकी जानकारी आपको मिलेगी, तो याद रखिए 13, और एक पशुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोग है जो भारत ने खत्म कर दिया है जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक जानवरों का रोग है जो भारत से खत्म हो गया है पूरी तरह से 2017 में। हमारे जो वित्त मंत्री है अरुण जेटली, उन्होंने जो ग्वार सीड है उसके लिए कमोडिटी बुर्स NCERT उसके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, और याद रखिए इससे पहले
मतलब गुआर सीड पहला एग्री कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग है, इससे पहले गोल्ड के लिए भी की थी एनसीडीएक्स ने, तो सोने के लिए, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब यहां पे है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है वो गुआर सीड के लिए हुई है। एपेडा, एपेडा ने एक ऐप लॉन्च करा है जिसको बोलते हैं हॉर्टी नेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्टी से मतलब क्या है? हॉर्टी से मतलब है हॉर्टिकल्चर, जब आप फल और सब्जियां उगाते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं एपेडा, और हॉर्टीनेट ऐप पे आप अपना जो जो भी आपका प्रोड्यूस है यानी कि जो फल सब्जियां वगैरह हैं उनकी आप पंजीकरण करा सकते हैं, आपकी टेस्टिंग उन पे हो सकती है, सर्टिफिकेशन हो सकती है। और इससे क्या होगा, इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि भारत जो भी फल और सब्जियां बेच रहा है, उनका निर्यात कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड जो है उनके हिसाब से है। ये तीन चीज़ों के लिए मेनली करा है, एक तो अंगूर के लिए, एक अनार के लिए यानी पोमग्रेनेट, एक ग्रेप यानी अंगूर, और एक सब्जियों के लिए वेजिटेबल्स के लिए। तो तीन चीज़ों के लिए की है, ऐप का नाम है हॉर्टीनेट। इसके अलावा केरल में अभी अभी एक बहुत ही अलग तरह की ऐप लॉन्च करी है वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने, इसका नाम है मन्नू, MANNU। इसको बनाया है ट्रिपल ITMK यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल के वैज्ञानिकों ने, और इसमें जो किसान है ये उनको ये बताएगी कि उस लोकेशन पे आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, यानी अगेन जियो टैग किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आप डोमिनोज की ऐप खोलो, ठीक है, आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, डोमिनोज की ऐप खोली, उसमें एक ऑप्शन आता है जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से वो आपको बता देता है कि भाई आपके नियरेस्ट पिज़्ज़ा वाला जो दुकान है वो ये है, इससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसी तरह से जो किसान है, इसमें सारे लोकेशन जो है वो जियो टैग वगैरह होंगे और उसमें किसान अपनी लोकेशन अगर डालेगा, अगर नहीं पता तो फिर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और उसके हिसाब से बता देगा कि भाई यहाँ की मिट्टी इस तरह की है और इसमें आपको ये वाली फसलें उगानी चाहिए फला तरह की। तो 20 ऐसे खनिज हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज हैं, 20 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन देगा एक लोकेशन के ऊपर। इस ऐप का नाम है मन्नू। गोवा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर पारिकर, उन्होंने भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है जय किसान। इसका टारगेट रखा है इन्होंने कि भाई 10,000 डाउनलोड हो जाने चाहिए मार्च 2018 तक, यानी 31 मार्च 2018 तक। ये आपको कृषि संबंधी सारी जानकारी देगी, जो क्रॉप न्यूट्रिशन है यानी जो फसल है उनको क्या हमें खाद डालनी चाहिए, बीज किस तरह के होने चाहिए, बीजों के बारे में, तो कई तरह की इन्फॉर्मेशन देगी ये किसानों को। और इसका नाम रखा है जय किसान। इस पे आपको दो तीन चीज़ें और मिलेंगी, जैसे 5 दिन के मौसम की जानकारी मिलेगी, 5 डेज, और कमोडिटी मार्केट प्राइस क्या है यानी किसी भी खाद्य उत्पाद का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ये सब चीज़ें इस पे मिल सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि 2022 तक मैं किसानों की जो इनकम है वो डबल कर दूंगा, यानी जो टारगेट रखा है नीति आयोग ने वो रखा है 2022, और नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं। और ये कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए 7-पॉइंट स्ट्रेटेजी है। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई 7 पॉइंट कौन कौन से हैं जिन पे काम किया जाएगा, सबसे पहला है हमें अपनी जो हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, ना सिर्फ उत्पादन, हमें अपनी उत्पादकता भी बढ़ानी है क्योंकि जो एग्रीकल्चर एरिया है वो भारत में कम हो रहा है यानी श्रिंक हो रहा है। तो अगर ऐसे में उत्पादकता कम हो गई तो फिर हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसका क्या होगा। दूसरी बात, हमें इनपुट कॉस्ट जो है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, जैसे सरकार ने नीम कोटेड यूरिया स्कीम स्टार्ट करी है, इससे जो यूरिया की क्वांटिटी है वो हमें कम यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि जो नीम होता है वो भी काफ़ी हद तक नीम क्या करता है कि हमें जो कीड़े वगैरह नहीं लगने देता या जो यूरिया है उसकी रिक्वायरमेंट को कम करता है, ये सब स्टार्ट करा है। इसके अलावा किसान सुविधा ऐप किसान सरकार ने 2016 में लॉन्च करी थी, किसान कॉल सेंटर भी अवेलेबल है, इसके थ्रू इनपुट कॉस्ट हमें उसका अच्छे से यूज़ लेना है। हमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उन्हें कम करना है, वैल्यू एडिशन करना है हमें, इसके लिए संपदा योजना वगैरह स्टार्ट करी हुई है, और हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कई तरह के रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। 6 पॉइंट है कि हमें रिस्क सिक्योरिटी और असिस्टेंस यानी किसानों का जो रिस्क है उसे कम करना है, और जो इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं खारिफ और राबी क्रॉप वगैरह पे वो फिक्स किए हुए हैं, तो जो खारिफ पे है वो है 2% मैक्सिमम रेट है ये, और जो राबी पे है वो है 1.5%। जो एलाइड एक्टिविटी है, एलाइड मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर के जो पैरेलल चलती हैं एक्टिविटी, जैसे हॉर्टिकल्चर यानी जो सब्जियां फल वगैरह उगाना उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और वाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति यानी जो दूध वगैरह, देखिए किसान सिर्फ उसे नहीं बोलते जो फसल उगाता है, जो गाय वगैरह पालता है वो भी किसान होता है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी हमें जो मछली पालन है उस पर ध्यान देना है। सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री लॉन्च करा है, एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब होता है जब हम अपने खेतों में पेड़ भी उगाते हैं फसलों के साथ साथ। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, ये सब हम कर सकते हैं जिससे हम मधुमक्खी पालन किससे फिर शहद वगैरह बेच के हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट, जो चिकन वगैरह होता है, गोट पिग जो सुअर होता है या बतख बकरी या भेड़ वगैरह, ये सब पाल के भी हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो ये है 7 पॉइंट प्रोग्राम
2022 तक इनकम को डबल करने का। दोबारा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, कौन सा कमीशन है जो सेट किया गया था जिससे हमें एक बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर रखना है, 23 क्रॉप्स के लिए किया गया था और ये 23 क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी वगैरह है उस पर अपनी सुझाव देगा। इसका नाम था सीएसीपी। सीएसीपी का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी आंसर है ए, 23 फसलों के लिए किया गया था। इन 23 में जो फसलें कौन कौन सी हैं, सारे नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन इनमें सात तो हैं हमारी सीरियल क्रॉप्स, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, बारले। बारले मतलब जौ, जौ बोलते हैं उसे, शायद आप जानते हो। पांच है उनमें हमारी दालें, जैसे ग्राम यानी चना, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और लेंटिल्स। सात है इसमें ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब वो फसल जिनसे तेल निकलता है, जैसे मूंगफली हो गया, सनफ्लावर, सोयाबीन, रेप सीड, मस्टर्ड, सरसों का तेल, ये सब है। तो सात इसमें हो गए, मैं रिपीट कर देता हूँ, सात हो गए इसमें सीरियल क्रॉप, ठीक है, चावल, गेहूं वगैरह जो हम खाते हैं एक्चुअल में, सीरियल क्रॉप्स। पांच हो गए पल्स क्रॉप यानी दाल वगैरह, ठीक है। सात हो गए इसमें ऑयल सीड, राइट। इसके अलावा कितने बच गए, सात और सात 14 और 5 19, तो 23 है, चार चीजें बच गई। तो चार चीज कौन कौन सी है, पहला तो है कोपरा। कोपरा बोलते हैं सूखे हुए कोकोनट को, कोकोनट जो होता है गोला, हिंदी में शायद कोकोनट समझ लीजिए, बस कोकोनट होता है, ठीक है, उसे, उसका कोपरा, ड्राइड कोकोनट, सूखे कोकोनट को बोलते हैं कोपरा। तीन बच गए, तो एक है रॉ जूट। जूट भारत में बांग्लादेश के जो बराबर एरिया लगता है, यानी पश्चिम बंगाल, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है और जूट। इसके अलावा रुई हो गई, कॉटन, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, ये सब काफ़ी आगे चलते हैं इसमें कॉटन में। और एक हो गया शुगर केन, शुगर केन जो नॉर्थ इंडिया में उगता है, मेनली उत्तर प्रदेश वगैरह में। तो ये है 23 फसलें जिनके लिए ये की गई थी। इनमें से जो क्रॉप्स हैं उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डिटरमाइन करने में इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एमएसपी के लिए, तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो किसान की लागत है वो कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी होता है, ये तीन तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो होता है A2, एक होता है A2 प्लस FL, ये बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है, और एक होता है C2। तो ये फटाफट समझ लो, A2 वगैरह ये सब क्या है। A2 होता है आपने जो भी लागत है आपकी, जो जैसे आपने बीज खरीदे, आपने पेस्टिसाइड कीटनाशक खरीदे, आपने खाद खरीदी, फर्टिलाइजर वगैरह, तो वो जो आपकी लागत लगी वो A2 हो गया। तो मान लो आपने 20,000 रुपये का सारा सामान लगाया तो वो आपका A2 हो गया, ठीक है। तो एक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं MSP को कैलकुलेट करने के लिए कि किसानों को कितना मिलना चाहिए, तो लागत, तो लागत से तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। दूसरा तरीका होता है कैलकुलेट करने का A2 प्लस FL। तो जो किसान होते हैं वो पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्नी, बच्चों वगैरह को भी साथ में काम पे लगा लेते हैं, तो उनकी भी एक दिहाड़ी वगैरह जो होती है, खैर वो देते नहीं है, अब कोई किसान अगर अपनी पत्नी को खेत पे काम पे लगा रहा है तो वो उसको क्या दिहाड़ी वगैरह थोड़ी देगा, लेकिन उसकी भी एक वैल्यू तो है, इकोनॉमिक वैल्यू है। तो जो उसके बच्चों की और पत्नी वगैरह की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, उनके कार्य की, मैन आवर्स या वुमेन आवर जो पुट कर रहे हैं वो, उसको बोलते हैं FL। तो A2 प्लस FL, तो एक ये तरीका होता है किसान की लागत कैलकुलेट करने का, एक A2 होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है C2। C2 में हम क्या करते हैं, हम A2 तो रखते ही हैं, फैमिली वाला जो है वो भी रखते हैं FL, साथ में जो उसकी जमीन की कॉस्ट है या जमीन पे जो रेंट वगैरह है वो भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टरऑल किसान ने जो अपनी जमीन है उस पे अगर वो मान लो कोई किसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपए की जमीन है और वो 1 करोड़ की उसे बेच सकता है और वो कमा रहा है साल के मान लो सिर्फ 10,000 रुपए, तो वो तो खो रहा है, 10,000 भी नहीं कमा रहा, या 1 लाख भी कमा रहा है तो खो रहा है, क्योंकि 1 करोड़ की जमीन वो बेच के कल को बैंक में डाल दे तो 3.5% उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पे, अपने सेविंग अकाउंट में, तो यानी कि 3.5 लाख रुपए तो वैसे ही कमा सकता है। यानी हमें जो लैंड, उसकी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, जो कैपिटल एसेट वगैरह, उनको भी दिमाग में रखना होगा, उसको बोलते हैं C2। और MS स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक हुए हैं जो भारत में हरित क्रांति के जनक जिन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उन्होंने कहा था आपको किसानों को जो पैसा देना है वो देना है C2 प्लस 50%। इसको बोलते हैं स्वामीनाथन फॉर्मूला। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या होता है। स्वामीनाथन फॉर्मूला होता है C2 प्लस 50%। तो MS स्वामीनाथन ने ये 2006 में कहा था कि अगर किसानों को खुश रखना है तो C2 प्लस 50% उन्हें हमें देना पड़ेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने 2016 का जो साल है वो उसे किस चीज के लिए मनाया, इसे इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन ने भी डिक्लेयर किया, इसको बोला ईयर ऑफ पल्सेस, यानी दालों का साल था ये 2016 जो साल था। एक बात और बता देता हूँ, जो 2018 चल रहा है अभी, ये है ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट मतलब होता है बाजरा, कर्नाटक में होता है बाजरा नंबर वन इंडिया में, कर्नाटक में कॉफी और बाजरा, कर्नाटक नंबर वन है इंडिया में, और कर्नाटक की रिक्वेस्ट पे केंद्र सरकार ने इसको डिक्लेयर करा है 2018 को ईयर ऑफ द मिलेट्स। इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग ये जो की गई थी, ये की गई थी, आपको बताना है कौन सी
थ्रेटन्ड प्लांट स्पीशी, यानी कहने का मतलब ये जो पौधा है, ये जो पौधा है ये विलुप्त हो जाएगा अगर हम ये नहीं करेंगे, यानी ये विलुप्त प्राय है एक तरह से, थ्रेटन्ड है, ये खतरे में है। तो थार मरुस्थल के अंदर इसको बचाने के लिए इकोलॉजिकल नीच मॉडलिंग की गई थी। ये कौन से पौधे की बात हो रही है? ये बात हो रही है सेरोपेजिया बल्बोसा की, सेरोपेजिया बल्बोसा की। ये एक थार डेजर्ट में पाया जाता है मेनली, और ये एंडेमिक थ्रेटन्ड प्लांट है। एंडेमिक मतलब ये सिर्फ इसी एरिया में होता है। जब कोई पौधा किसी विशेष एरिया में होता है तो उसे बोलते हैं एंडेमिक, यानी उसी एरिया में पाया जाता है। फॉरकास्टिंग स्टडीज ऑफ राइस यील्ड्स यूजिंग DSSAT, यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रोटेक्नोलॉजी ट्रांसफर राइस मॉडल, प्रिडिक्टेड दैट ऑल स्टेट्स इन द ईस्टर्न रीजन आर लाइकली टू एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड यील्ड्स ऑफ बिलो और इक्वल टू 10% ड्यूरिंग मिड सेंचुरी क्लाइमेट चेंज सिनारियो एक्सेप्ट विच स्टेट। भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, उनमें सब में जो जो चावल की जो यील्ड है, यानी जो जो जिसे बोलते हैं धान, धान की जो खेती है, उसमें कमी आएगी, 10% या उससे कम की कमी आएगी। इनमें से कौन सा राज्य इससे प्रभावित नहीं होगा जलवायु परिवर्तन से? तो इसमें बिहार जो है वो प्रभावित नहीं होगा, बाकी सारे जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रभावित होंगे, ऐसा कहा गया है। एक नई मछली की प्रजाति, फिश स्पीशी, इंडियन चब मकरल, जिसे स्कॉम्बर इंडिकस बोलते हैं, ये कौन से राज्य में खोजी गई है? अभी ये खोजी गई है गुजरात के तट पर, कोस्ट ऑफ गुजरात। और गुजरात का तट आप जानते हैं अरब सागर में पड़ता है, ये तो ये है जो अरेबियन सी है, मतलब हमारी जो पूर्व जो पश्चिमी जो साइड है उस पर पड़ता है। तो यहाँ पे एक नई मछली की स्पीशीज खोजी गई है जिसका नाम है इंडियन चब मकैरल, इसको हम स्कॉबर इंडिकस भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक मछली और याद रखिए आप, जिसको बोलते हैं बरीलियस, ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं। बरीलियस टॉर्सी, ये रिवर टॉर्सा है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक नदी है छोटी सी जिसका नाम है टॉर्सा, वहां खोजी गई है इसलिए इसका नाम टॉर्सी रख दिया, बरीलियस टॉर्सी ये। और एक और है जो गोदावरी में खोजी गई है, इसको बोलते हैं रीटा, RITA, रीटा बकालू, BAKALU, रीटा बकालू। तो तीनों के नाम याद रखिए, रीटा बकालू गोदावरी में खोजी गई है, बरीलियस टॉर्सी टॉर्सी नदी जो ब्रह्मपुत्र की नदी है, एक छोटी सी सहायक नदी है, उसमें खोजी गई है, और गुजरात के तट पे इंडियन चब मकैरल खोजी गई है। इंडिजिनस ब्रीड प्रोजेक्ट के तहत कितने ब्रीडिंग बुल्स ऑफ गिर, साहिवाल एंड कंकरेज, ये हमने थर्ड सेट फॉर प्रोजेनी टेस्टिंग के लिए यूज करे हैं। कहने का मतलब ये होता है इंडिजिनस ब्रीड प्रोजेक्ट क्या है, हमारी जो स्वदेशी, हमारी जो जानवरों की जो नस्ल है, हमें उनको उनका प्रचार प्रसार करना है, हमें उन्हें उनका प्रजनन आपस में करवाना है जिससे वो खत्म ना हो, उनका नंबर बढ़ाना है। तो इनमें कितने ऐसे ब्रीडिंग बुल हैं गिर के, साहिवाल के और कंकरेज के जिन्हें प्रोजेनी टेस्टिंग के तीसरे चरण के लिए रखा गया है? इनका नंबर है 26। लाइवस्टॉक सेंसस इज बीइंग कंडक्टेड डैश बाय ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। हम भारत में एक लाइवस्टॉक सेंसस करवाते हैं, यानी हम गिनते हैं पूरे भारत में कितने पशु हैं, मवेशी, पशुधन कितना है। तो वो कब करवाते हैं, कितने सालों में करवाते हैं हम? तो याद रखिए जो जो सबसे पहला लाइवस्टॉक सेंसस हुआ था वो हुआ था 1920 में, तो बहुत पुरानी बात है, लगभग 100 साल पहले हुआ था। और उसके बाद से ये होता है क्विनक्वेनली। क्विनक्वेनली का मतलब क्या होता है? हर 5 साल में एक बार, उसको बोलते हैं क्विनक्वेनली। और जो पिछला हुआ था वो हुआ था 19th लाइव स्टॉक सेंसस, वो हुआ था 2012 में, ये भी याद रखिए। अगले सवाल पे आते हैं, भारत का दुनिया में दूध उत्पादन में क्या स्थान है? भारत का स्थान है नंबर 1, भारत है नंबर 1। और 2015-16 में भारत का जो दूध उत्पादन था वो था 155.49 मिलियन टन, ये था। और गुजरात, कर्नाटक वगैरह ये सबसे महत्वपूर्ण है अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो। अभी भारत का जो मछली उत्पादन है उसमें क्या स्थान है दुनिया में, और एक्वा कल्चर में क्या स्थान है, यानी जो दूसरे जो जानवर होते हैं पानी वाले, एक्वा कल्चर, उसमें हमारा जो है वो क्या स्थान है दुनिया में? तो दोनों में हम हैं सेकंड। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन इन द वर्ल्ड। तो अब पूछ लें कि नंबर 1 कौन है, तो नंबर 1 है चाइना, आफ्टर चाइना वी आर द सेकंड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कुछ क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के डाले हैं जो पिछले उसमें रह गए थे, चैप्टर 3 में जो पॉलिटी का था, 3-4 क्वेश्चन रह गए थे। तो इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, ये कौन से साल में बना था? ये बना था 1950 में।
1950 में बना था ये, और ये एक परमानेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक ये बॉडी है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? आप जानते हैं कि जो ईवीएम फ्रॉड है उसको रोकने के लिए वीवीपैट मशीन यूज़ की जाती हैं। इनमें साथ में एक कागज़ का जो वो भी साथ निकलता है तो वो वेरीफाई हो जाता है साथ में। इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसे बोलते हैं वीवीपैट। जो कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल या स्टेट पार्टी डिक्लेयर करता है, राइट, कि कोई नेशनल पार्टी है या कोई स्टेट पार्टी है। तो वो क्राइटेरिया जो है ये कहाँ लिखे हैं? ये लिखे हैं इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में, कि कोई पार्टी है जो वो कब नेशनल पार्टी होती है, कब स्टेट पार्टी होती है, ये सब इसके अंदर लिखा गया है। पिछले 64 सालों में जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उसने कितने जनरल इलेक्शन लोकसभा के और कितने जनरल इलेक्शन विधानसभा के कंडक्ट किए हैं? तो 16 करे हैं जनरल इलेक्शन और आम चुनाव के, और 365 करे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी विधानसभा के। सो आंसर है इसका फर्स्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कितने कंट्री के साथ MOU साइन करे हैं इसके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल IDEA IFES के साथ भी MOU है, और कितने कंट्रीज के साथ है? तो टोटल इसके 16 कंट्रीज के साथ जो है वो MOU है। आंसर है 16। पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो था वो सेटअप किया गया था 1688 में। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा था? तो ये था मद्रास। मद्रास पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मद्रास 1688, और उसके बाद बॉम्बे और कोलकाता में बना था 1726 में। जो गवर्नर होता है एक राज्य का वो ही में रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द होम, मतलब वो अब बिल जो है वो अपने पास रख सकता है किसके कंसिडरेशन के लिए? तो ये रख सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, जो आर्थिक सहायता होती है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू हाउ मच टू सपोर्ट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। जो राज्य हैं या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, उनके अंदर जो सरकारें हैं उन्हें आर्थिक सहायता सुशासन के, जो भी वो चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं सुशासन के लिए, उसके लिए कितनी दी जाती है? ये नहीं दी जाती है 3 लाख रुपए, और ये किस लिए दी जाती है? ये डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन और डिसेमिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस के लिए दी जाती है 3 लाख रुपए। अब इससे पहले मैं वीडियो को खत्म करूं, आपको बजट में कुछ कृषि संबंधी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इस बार अरुण जेटली ने यह कहा है कि जो खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप मतलब जैसे चावल, तो खारिफ क्रॉप जो है उनके लिए किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा वो 1.5 गुना दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है, उन्होंने ये नहीं बताया ये 1.5 गुना किस पे दोगे, यानी आप A2+50% दोगे या C2+50% दोगे या A2+FL+50% दोगे। तो मिलना चाहिए C2+50%, लेकिन ये कहाँ नहीं है, तो ये एक थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बाकी ये एक टेबल है, अगर आपको ये टेबल पता है तो फिर आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इसमें कृषि संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी कुछ चल रहा है, उसमें हम कितना पैसा खर्चेंगे सारा लिखा हुआ है, और ये पिछले साल से कितना इसमें चेंज है वो भी लिखा हुआ है। तो जो हरित क्रांति पे हम कितना खर्च करेंगे, श्वेत क्रांति पे कितना करेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो जितनी भी स्कीम चला रखी हैं इनमें यूरिया सब्सिडी कितना देंगे इत्यादि, तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो सरकार ने एक तो बजट में ये कहा है कि जो ई नाम सिस्टम है, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, उसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा मार्च 2018 तक। इतना ही नहीं, 22,000 जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट जिन्हें ग्रामीण मंडियां बोलते हैं, और 585 जिन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी APMC कहते हैं, उन्हें पूरी तरह से ई नैम से जोड़ा जाएगा, और इस पे 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। अगर हम फसल बीमा की बात करें तो उसमें 13,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे हैं। फसल बीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फसल बीमा, ये पिछले साल से 21% लगभग ज़्यादा है। इरीगेशन की बात करें, सिंचाई के कार्यों के लिए रखे हैं 2600 करोड़ रुपए। सिंचाई के कार्य कई राज्यों में चल रहे हैं, वैसे बता देता हूँ, एक जैसे पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है आंध्र प्रदेश में, ये नबार्ड फाइनेंस कर रहा है इसे। एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट बन रहा है, ये तेलंगाना में बन रहा है, इसमें कई सारे बैंक मिलकर फाइनेंस कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI वगैरह, बहुत सारे बैंक मिलकर इसे फाइनेंस कर रहे हैं। और किसानों को जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा 11 लाख करोड़ का जो लोन है वो किसानों को दिया जाएगा। फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी है वो भी बढ़ा दी है, तो यूरिया और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दोनों मिला के हो गई है 70,000 करोड़, यानी 8% का इजाफा है। इसके अलावा
जो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी है अगर उनका साल का टर्नओवर नेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है तो फिर उन्हें 100% टैक्स डिडक्शन मिलेगा। सो ये था वीडियो पूरा, इसमें मैंने कोशिश की कि पूरा जो एग्रीकल्चर से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आपको पढ़ाया जाए, जिससे आप थोड़ा स्टैटिक और डायनामिक करंट वगैरह में क्या चल रहा है वो भी आपको पता हो। अब मैं 10 दिन के लिए ग्रीष्म अवकाश पर जा रहा हूँ, वैसे टेक्निकली ग्रीष्म अवकाश नहीं है क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट ही हुई हैं, लेकिन मैं 18 मार्च को वापस आऊँगा। और याद रखिए 32 वीडियो आएंगे, अभी तो सिर्फ 3 हुए हैं। बहुत बड़ी होती है इंडिया ईयरबुक, मतलब बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट होता है, सारे चैप्टर एक एक करके कवर करेंगे, 32 वीडियो आएंगे। यह है तीसरा वीडियो हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आया। मेरा नाम था गौरव, और आप इसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।